लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान में कुल दो चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण में वोटिंग 19 अप्रैल से होगी, वहीं आखिरी चरण में 1 जून को मतदान किए जाएंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। यूं तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सभी की नज़रें टिकी हुई है, और हम इस खबर में आपको वो सीटें बताएंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। राजस्थान के जोधपुर में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से 2 बार से सांसद है। उन्होंने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2,74,000 वोटों से चुनाव हराया था। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। भाजपा ने इस बार भी यहां से शेखावत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए एक राजपूत चेहरे को मौका दिया है, जिसका नाम है करण सिंह उचाड़ा। वह इस समय कांग्रेस में प्रदेश महासचिव है। वहीं वैभव गहलोत को पार्टी ने इस बार जालोर सिरोही सीट से उम्मीदवार बनाया है। बात करते हैं दूसरी लोकसभा सीट की। पहले चरण के तहत बीकानेर में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दलित नेता और मोदी मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों में से एक अर्जुन राम मेघवाल 2009 से बीकानेर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा ने इस बार फिर अर्जुन राम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। इस लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर अनेक बड़े किसान आंदोलन हुए हैं। ब्राह्मण और अनुसूचित इस जाति के लोग यहां के प्रमुख मतदाताओं में से एक है। वहीं कांग्रेस ने पिछली गहलोत सरकार में मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। अब बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की। जयपुर में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। राज्य की राजधानी होने के चलते जयपुर को लोकसभा की VIP सीट माना जाता है। भाजपा के रामचरण बोहरा यहाँ से 2 बार से सांसद है। आमतौर पर इसे भाजपा की सीट माना जाता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अभी तक यहाँ उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। अब आती है सीकर लोकसभा सीट की बात। सीकर में भी 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। सीकर जाट और किसान बहुल लोकसभा क्षेत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व 2014 से भाजपा के स्वामी सुमेधानंद कर रहे हैं। ये सेकावाटी इलाके से आती है, जो अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध प्रमुख पर्यटक केंद्र है। सीकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गृहनगर भी है। भाजपा की ओर से यहां से एक बार फिर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब आती है कोटा की सीट की बात। कोटा में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2014 से कोटा बूंदी से सांसद है। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव 2,79,000 वोटों से जीता है। कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहां देश भर से बड़ी संख्या में छात्र तैयारी के लिए आते हैं। ये कुछ सीटें हैं जो होट सीट के तौर पर रहने वाली है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि और कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो समय के साथ और समीकरणों की वजह से चर्चाओं में। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।